तो हेलो दोस्तों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है बालाशिवी एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो इस बार बिहार फॉरेस्टर मतलब बिहार वनपाल के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से बेस्ट बुक होने चाहिए, मतलब कौन से बेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए, जिससे इस बार आप प्रिपरेशन करके आपका इस बार 100% इन फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो भी मैं आपको बुक बताने वाले हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बुक देखने को मिल जाएगी, जिससे कि दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो बुक को पढ़ने में और साथ ही एग्ज़ाम को क्रैक करने में। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो भी बुक बताऊँगी उन सारी बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप ऑनलाइन भी परचेज करके अपने घर में मंगवा सकते हैं या फिर आप बुक स्टोर से जाके ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, मतलब जनरल नॉलेज की, जो कि इस एग्जाम में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 60 मार्क्स के आने वाले हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको जो पढ़ना है, जो कि द हिंदी न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। और जो स्टूडेंट द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, उनको समझ में नहीं आएगा, जो कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उनको वो पढ़ सकते हैं। जो कि मंथली मैगजीन आते हैं, जो कि प्रतियोगिता दर्पण के नाम से आते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी हिंदी में और साथ में इंग्लिश में भी देखने को मिल रही होगी, जो कि मंथली मैगजीन आती है। और जो स्टूडेंट्स मंथली मैगजीन नहीं पढ़ सकते, जो कि एयरली मैगजीन पढ़ सकते हैं, वो भी प्रतियोगिता दर्पण वाली बुक मैगजीन पढ़ सकते हैं, जो कि आपको दिख रही होगी हिंदी में और इंग्लिश में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, कि सामान्य ज्ञान के लिए कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है। तो सामान्य ज्ञान के लिए सबसे बेस्ट बुक होने वाली है, वो बुक होने वाली है कि सामान्य ज्ञान की बुक होने वाली, जो कि ये पूरी सब्जेक्टिव बुक है, मतलब इसमें पूरा थ्योरेटिकल बेस समझाया गया है। आपको ये बुक भी लेनी है थ्योरेटिकल वाले सेक्शन को पूरा समझने के लिए, और साथ ही आपको इसमें एक बुक और लेनी जो कि लूसेंट की होने वाली, जो कि ऑब्जेक्टिव बुक होने वाली है, जो कि आपको इधर दिख रही होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो टाइप के बुक्स को लेना है, जिससे कि आपके एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए और साथ में आप सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो अब हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान की, मतलब जनरल साइंस के लिए आपको कौन सी बेस्ट बुक लेनी है। जो इस एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें भौतिक में मतलब फिजिक्स में 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री मतलब रसायन में उसमें 15 क्वेश्चन, साथ में बायोलॉजी या फिर मैथ्स में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें सामान्य विज्ञान की, तो सामान्य विज्ञान की सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है, वो बुक भी रहने वाली है लूसेंट की, सामान्य विज्ञान की बुक रहने वाली है, जो कि मेरे पास सब्जेक्टिव बुक है। तो आपको सब्जेक्टिव बुक के साथ साथ ऑब्जेक्टिव बुक भी लेनी है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव बुक लेनी, जो कि रेलवे की है, तो पर आप यहाँ पर रेलवे को इग्नोर करते हुए ये देखिए कि इसमें आपको जो मिलेगा वो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये वाले बुक आप लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि आपके साइंस के एग्जाम को बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक ले जाएगी। आप उसमें ये मत देखिए कि ये रेलवे के लिए स्पेशली, पर आप ये देखिए कि इसमें कॉन्टेंट कितना अच्छा दिया गया है। आप ये वाली बुक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये वाली बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अब बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स की सबसे बेस्ट बुक जो रहने वाली है, वो बुक रहने वाली है RS अग्रवाल की, जो ये आपको इधर दिख रही होगी, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि जिन स्टूडेंट्स को जनरल अवेयरनेस मतलब जनरल साइंस का सेक्शन, करंट अफेयर्स का सेक्शन और साथ में जनरल नॉलेज के सेक्शन को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, या फिर उन्हें याद करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं हो पाता कि कैसे पढ़े, कैसे समझा जाए, कि जनरल अवेयरनेस की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को याद करने की, उसके लिए मैंने एक स्पेशली पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी। इस वीडियो में आप ये मत देखिए कि ये वीडियो जो है, आप बस ये देखिए कि इसमें कॉन्टेंट कितना अच्छा दिया गया है। उस वीडियो के देखने के बाद आपको ये नहीं होने वाला है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी कि आपको याद कैसे करना है, आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बात की है कि किन छोटे छोटे पॉइंट पर हमें फोकस करते हैं अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको भी एक बार देख लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो जो इस एग्जाम में रीजनिंग 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके सबसे बेस्ट बुक होने वाली है, वो भी RS अग्रवाल की, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि आपको इधर दिख रही होगी हिंदी में और साथ में इंग्लिश में भी देखने को मिल रही होगी।
पर ये बुक आपको तभी लेनी है जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब आपके सारे रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये वाली बुक भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि आपका रीजनिंग का सेक्शन कैसे कवर होगा। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ एंड जो लास्ट सब्जेक्ट है, जो कि भाषा का ज्ञान है। मतलब इसमें हिंदी से आने वाले 10 क्वेश्चन, साथ में इंग्लिश से भी आने वाले 10 क्वेश्चन। यहाँ पर जो हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक होने वाली है वो बुक भी होने वाली लूसेंट की, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी, जिसमें से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। और साथ में इंग्लिश से, तो इंग्लिश की जो बेस्ट बुक होने वाली है जो कि होने वाली है ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश, जो कि SP बख्शी सर की है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इन दोनों बुक से बस आपको ये करना है कि उसमें से आपको अपने ग्रामर के पोर्शन को अच्छा करना है, अपने व्याकरण के पोर्शन को ठीक करना है, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क पेपर में आने वाले हैं। तो आपको उन्हीं दोनों टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने प्रिपरेशन को करनी है। तो यहाँ पर तो बात हो गई सारे सब्जेक्ट की बात, तो यहाँ पर जो आपको इन सारे सब्जेक्ट साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक भी लेनी है, जो बुक होने वाले अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसमें आपको बिहार में जो भी एग्ज़ाम हुए अभी तक के, उन सारे आपको प्रीवियस पेपर विद सल्यूशन देखने को मिल जाए, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होने वाली है। ये वाली बुक को लेना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लिंक आपको सारी बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इस बुक से आपके बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे उससे आप बेनिफिट होने वाला है। और साथ ही आपको यहाँ पर अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने से पहले सिर्फ 4 बातों पर ध्यान देते हुए अपने प्रिपरेशन को करना है। फर्स्ट तो होने वाला है कि जो भी बुक आप लेने वाले हैं वो आप अच्छी बुक लीजिए, और साथ ही एक ही बुक लीजिए। ऐसा नहीं करना कि आपने बहुत सारी बुक ले ली और आप बिल्कुल कंफ्यूज होकर रह गए कि थोड़ा ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। एक ही बुक लेनी है, अच्छी बुक लेनी है, उसी बुक को बार बार पढ़ना जब तक कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते, ठीक है। सेकंड है कि जो भी आपको इम्पोर्टेंट मैंने बुक बताया, उन बुक से आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अपने प्रिपरेशन को करना है। आपको ऊपर ऊपर से बिल्कुल भी याद नहीं करना। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तभी आपको दूसरे लेसन पे बढ़ना है आगे, ठीक है। और थर्ड है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग किए बिना आपको अपने हाईएस्ट मार्क लाना है, मतलब नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। जो क्वेश्चन आपको आएंगे आपको उन्हीं क्वेश्चन को करना है, आपको बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है। बस आपको जो क्वेश्चन आता है आप वही क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसको छोड़ दीजिए। एंड फोर्थ और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो सारे सब्जेक्ट मैंने बताए हैं उस एग्ज़ाम में वो कम कम मार्क्स में आने वाले हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आप एक सब्जेक्ट को छोड़ देते जो कि कम मार्क्स में आने वाले हैं और दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस करते जो ज़्यादा मार्क्स के आने वाले। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सारे ही सब्जेक्ट को सारा अपना टाइम देना है, पर्टिकुलर टाइम देना है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको सारे सब्जेक्ट को पूरा डीपली पढ़ना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट को आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और एक सब्जेक्ट को आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये तो बात हो गई 4 इम्पॉर्टेंट बात को आपको ध्यान देते हुए अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा, यदि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा। और सारे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम 7442 है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।